नमस्कार आदाब, मैं अलीसा और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया खबर उत्तर प्रदेश से। दरोगा अपने थाने के लॉकअप में हुआ कैद, केस रफा दफा करने के लिए ली थी घूस। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाने पर तैनात दरोगा मोहन प्रसाद गिरफ्तार। एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर 30,000 रुपए लेकर छोड़ने का लगा था आरोप। पीड़ित ने SP अनुराग आर्य से की थी शिकायत। जांच में आरोप सही पाए जाने पर सख्त रूप अपनाते हुए SP अनुराग आर्य के निर्देश पर दरोगा के खिलाफ रिश्वत लेने का मुकदमा दर्ज हुआ और आज कप्तानगंज थाना परिसर स्थित आवास से दरोगा जी को हिरासत में लिया गया। दरोगा जी वाराणसी के मडवाड़ी थाने क्षेत्र के जलाली पट्टी के रहने वाले हैं। इस संबंध में सुने SP की पूरी बाइट। भारत मीडिया के लिए शीतल नरबे की ब्यूरो रिपोर्ट। जनपद आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अमिलाई गांव के निवासी संतोष कुमार द्वारा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि थाना कप्तानगंज पर नियुक्त उप निरीक्षक मोहन प्रसाद द्वारा उनको थाने पर बैठाया गया और इसके बाद 30,000 रुपये लेकर उनको छोड़ा गया। इस प्रार्थना पत्र की जाँच क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर को दी गई थी। क्षेत्राधिकारी द्वारा की गई जाँच के आधार पर यह प्रथम दृष्टया सत्यापित हुआ कि आरोप सही हैं, जिसके आधार पर कप्तानगंज में मुकदमा अपराध संख्या 87 धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कायम कराई गई। इस मुकदमे की विवेचना COCT आजमगढ़ द्वारा की जा रही है। आज दिन में 12 बजे साक्ष्यों के आधार पर COCT द्वारा पुलिस टीम लेकर थाना परिसर कप्तानगंज से उप निरीक्षक मोहन प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। विवेचना जारी है, आगे जो भी डेवलपमेंट होंगे वो बताए जाएंगे।